हे hey दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसे कि आज आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आप समझ रहे हैं कि हम आधार कार्ड पे बात करने वाले हैं कि हम अपना आधार कार्ड पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करें और घर बैठे क्यों, और अपने फोन से भी, वो भी ठीक है दोस्तों, कोई भी कर सकता है दोस्तों। ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कोई भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको देते हैं कि दोस्तों होता क्या है कि जैसे दोस्तों हमने अपने आधार कार्ड में कोई चीज अपडेट करा है, जैसे कि अपनी इमेज या एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ, तो हमारे पास जो पुराना आधार कार्ड होता है उसमें हमारी चीजें अपडेट नहीं होती हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, या तो जनसेवा केंद्र के पास जाके हमें नया आधार कार्ड निकलवा के उसको मड़वाना पड़ता है, और या तो हम उसी में जहां पे मैंने अपडेट करवाया वहां पे जाके उसको नया निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको घर बैठे निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों, 2 मिनट का प्रोसेस है, उसको घर बैठे आप निकाल सकते हो दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे निकाल सकते हो। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट्स मिस मत करना, और वीडियो को आप पूरा देखिए रेगुलर, क्योंकि वीडियो में दोस्तों हम आपको आज ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। एक और जानकारी मैं आपको एक देने वाला हूं आधार कार्ड के बारे में कि दोस्तों, जब हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे बहुत से हमारे भाई हैं जो डाउनलोड करना जानते हैं, तो वो जब डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि जो डाउनलोड कर लेते हैं तो एक फाइल आती है, वो जो पीडीएफ फाइल है जब उसको ओपन करते हैं तो वो एक पासवर्ड मांगती है दोस्तों। जब हम पासवर्ड वहां पे फिल करते हैं तो दोस्तों हमें क्या है कि बहुत से हमारे भाइयों को ये नहीं पता होता कि इसमें पासवर्ड क्या डाला जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबका पासवर्ड अलग अलग होता है, किसी का पासवर्ड सेम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी भी आज जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे कि मतलब पासवर्ड कैसे डाले और पासवर्ड कैसे सबमिट करते हैं, पासवर्ड क्या होता है, किसका पासवर्ड क्या होता है, तो दोस्तों उसकी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो आप देर ना करते हुए चलते अपने वीडियो में, वीडियो को कोई भी स्किप ना करें, और वीडियो अगर पसंद आए हमारी तो वीडियो को हमारी लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक लाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में जाना, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना दोस्तों उदय, उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, फिर उसके बाद दोस्तों नीचे आने के बाद डाउनलोड आधार कार्ड पे हमें क्लिक कर देना दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना दोस्तों, देख लेना पूरी तरीके से सही डालना है, और यहाँ पे उसके बाद नीचे कैप्चर कोड फिल कर देना दोस्तों। कैप्चर कोड फिल करने के बाद उसको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप देखना पूरा, आप देख सकते हैं इस तरीके से ओटीपी हमारा सेंड हो गया। अब यहाँ पे जो ओटीपी आ रहा है वो हम यहाँ पे सेंड डाल देंगे, और उसके बाद हम वेरीफाइड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये डाउनलोड हो गया, पीडीएफ में गया, यहाँ पे इस तरीके से खोल के आ गया दोस्तों। दोस्तों, इसका फाइल का पासवर्ड होता है आपके नाम के स्टार्टिंग के 4 अक्षर और डेट ऑफ बर्थ के लास्ट के 4 डिजिट,